तो कैसे हो मेरे भाई? मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और रिएक्शन रिव्यू वीडियो में। तो भाई, हर हर महादेव नाम का एक ट्रेलर आया हुआ है, इसमें आपको शरद केलकर मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। तो इस ट्रेलर में जो भी नाम दिया गया है उसमें शरद केलकर ही, जिनको मैं मूवी के माध्यम से जानता हूँ। तो भाई, मैं जब भी यूट्यूब खोल रहा था तो हर हर महादेव नाम का यह ट्रेलर मेरे सामने दिख रहा था। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था इस पर रिएक्ट करने के लिए, तो चलिए फाइनली मैं इसका रिएक्शन रिव्यू लेके आ गया हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहें। और क्या है यह ट्रेलर, किस बारे में है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं जान रहा हूँ। तो चलिए आप और हम मिलके इस पर रिएक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो और ट्रेलर पर रिएक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। अरे, 5 सुपारी भी चैन से खाने नहीं देता वो शिवाजी। शिवाजी के बारे में, स्वराज्य में शामिल हो जाओ शेर शिवाजी, ना मरो। तो अब हम आपको कैसे बचा सकते हैं? हम लोगों को बाजी प्रभु देशपांडे चाहिए। पूरे 12 मावड़ में सिर्फ आपके पास वो योद्धा है जो उस शिवाजी राजा को रोक सकता है। पक्के शस्त्र चाहिए, एक की जान लेनी है। उसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले। खोली जाकर शिवाजी राजा आग है, आग। इस आग से मत खेल, भस्म हो जाएगा। शिवाजी महाराज खुद ही जाकर अपने बाड़े में उसको बोल रहे हैं, राज्य व राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं भला, मेरे बांदल भले। आपके इसी स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराज, जिसे प्रजा का आशीर्वाद, वो मराठा जो जात पात के परे है, वो मराठा जिसकी हर सांस में भगवा, वो मराठा। असली चीज बताया गया हिंदू धर्म के बारे में। तो भाई, हिंदू धर्म में हर जात धर्म को एक साथ दीवारों के सहारे खड़ा की बात कही जाती है। उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देशपांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। भाई, डायलॉग काफी जबरदस्त लग रहा है। पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने, सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हुई थी सीनरी से, मैं इसे पनाला में खत्म करूंगा। तुम्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यही रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी महाराज, भाई के लिए तो सैनिक मरते हैं, उन पर फोकस किया गया, उन्हीं के ऊपर बनाया गया। मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। जाइए राजे, जाइए, मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यही घोड़खिंड में रोकते हैं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। भाई, गूज़बम्प। भाई, ये फिल्म छप्पर फाड़ कमाई करने वाली है। ओ भाई, तलवार घुसा दिया भाई मुंह के अंदर से। हर हर महादेव। ओ भाई, काट डाला भाई। तो भाई, फाइनली मैंने हर हर महादेव का ट्रेलर देख लिया है। बेसिकली यह शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। और भाई, क्या गजब का ट्रेलर था, अच्छा लगा। इसमें जो BGM डाला गया, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी शानदार है, आपको गूज़बम्प जरूर आते हैं। और कहीं ना कहीं एक से एक ब्रूटल वाला सीन दिखाया गया है, और सच में देख के काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई, यह 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लगने वाली है, वो भी हिंदी में। मुझे लगता है कि यह ओरिजिनल फिल्म मराठी लोग बना रहे हैं, लेकिन यह हिंदी में भी रिलीज हो रही है। शरद केलकर काफ़ी अच्छे एक्टर है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने उसको परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगा इस ट्रेलर को देखकर, आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन, आप कमेंट में जरूर लिखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में। तो मिलते हैं, चलिए बाय बाय।